नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो सीपी के बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं उनके लिए कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उनके लिए सबसे पहले आप उनके कानों का टेस्ट करवाइए कि बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं। अगर बच्चे को सुनाई दे रहा है तो वो जरूर बोलेगा, लेकिन आपको कुछ उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करवानी पड़ेगी। कुछ आप घर पे भी बच्चे को ट्राई करके देख सकते हो कि बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं। आप क्या करना है कि कोई ऐसी तेज़ आवाज़ है, जैसे थाली है उसके गिरने की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, तो उसकी आवाज़ को सुन के बच्चा भयभीत हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है उसको कम सुनाई दे रहा हो, तो आप क्या है कि तेज़ आवाज़ को आप बच्चे को सुना के और आप थोड़ा इसका टेस्ट घर पर भी कर सकते हो। बाकी आपको ईयर के डॉक्टर से संपर्क करके और इसके जो टेस्ट वगैरह हैं वो करके आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि बच्चे को सुनाई दे रहा है, क्योंकि जिस बच्चे को सुनाई देगा तो वो अवश्य बोलेगा। अगर बच्चे को सुनाई नहीं देगा तो वो बोलेगा कैसे? तो सबसे पहले ये चीज़ है सुनने वाली, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलिए मैं एक बच्चे के माध्यम से और एक्सरसाइज है वो आपको बता रही हूँ किस प्रकार से बच्चे को एक्टिविटी बोलने के लिए आपको करवानी है। क्या करना है कि जो फाउंडेशन लगाने वाला जो मेकअप वाला ब्रश आता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वो आपको ले लेना है। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये पेंट वाला, ये जो पेंटिंग करते हैं बच्चे वो वाला ब्रश है तो वो मैंने लिया है। उसको क्या करना है, बच्चे के होठों के आस पास इस प्रकार से, वो थोड़ा सा मोटा होएगा तो उससे क्या है कि इससे बच्चे के गुदगुदी होएगी, तो वो क्या है ऑटोमेटिक अपने होठों को क्या है ऊपर नीचे करेगा इस प्रकार से बच्चे के चेहरे पे, और इस प्रकार से उसको घुमाएं। हल्के हल्के हाथ से जिस प्रकार से मेकअप करते हैं फाउंडेशन लगाते हैं उस प्रकार से ये एक्टिविटी आपको करनी है बच्चे के चेहरे पे इस प्रकार से। बच्चे को इस प्रकार से लिटा लेना है और बच्चे के सिर के पास आप इस तरह से बैठ जाइए और साथ में बच्चे से बातें करते हुए आपको क्या करना है कि अपनी फिंगर्स को और बबच्चे के चिक के इस प्रकार से तीन फिंगर्स को टच कर लीजिए और ऊपर की तरफ इस प्रकार से हल्का हल्का दबाव देके और इस प्रकार से बच्चे की चिक का मूवमेंट करवाना है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है तो आप कोई पाउडर है या थोड़ी क्रीम है वो भी आप अपनी फिंगर्स पे इस प्रकार से लगा के और इस प्रकार से कम 15-20 बार ये इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस देके और चिक का मूवमेंट करवाइए। हाथ यहाँ रखो बेटा, इस प्रकार से 4-5 मिनट के लिए आप बच्चे को करवाएं। हाथ यहाँ रखो बेटा, ऊपर की तरफ करवाना है, नहीं बेटा हिलना नहीं है, ऊपर की तरफ करवाना है और फिर इस प्रकार से भी करवाना है। ये आप 4-5 मिनट के लिए आप बच्चे को करवा सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे क्या है कि होठ हैं वो टच नहीं रखते हैं, मुंह खुला रखते हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपके बच्चे के होठों को इस प्रकार से टच करवाना है इस प्रकार से अपने हाथों से, क्योंकि ये अपने आप नहीं करते हैं। अगर ये मुंह को खुला रखेंगे तो उच्चारण क्या है कर नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो आपको होठों को इस प्रकार से बच्चे के टच करवाने हैं। इसके अलावा ठुड्डी है उसको क्या है आप इस प्रकार से पकड़ के और बच्चे के ठुड्डी का इस प्रकार से मूवमेंट करवाना है। जीभ अंदर करो बेटा, इस प्रकार से ऊपर की तरफ मुंह को बंद करना है, मुंह को खोलना है और बंद करना है।
इसके अलावा बच्चे की ठुड्डी के नीचे अपनी फिंगर्स को इस प्रकार से लेटो बेटा, इस प्रकार से एक हाथ से बच्चे की गर्दन को इस प्रकार से सपोर्ट देके मोमेंट करना है ठुड्डी के नीचे, गले के पास हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल ठुड्डी के नीचे, ये नहीं हो कि बच्चे का गला इस प्रकार से दबता हो, इस प्रकार से ठुड्डी के नीचे मोमेंट करवाना है। ये आप जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा बच्चे को करवाते रहें। इसके अलावा बच्चे को क्या है, ये जो आइसक्रीम वाली स्टिक होती है उससे क्या है कि बच्चे की, मेरे पास तो वो अवेलेबल नहीं है, बच्चे की जीभ पे और ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ा थोड़ा बच्चे की क्या है जीभ को प्रेस देके और इस प्रकार से जैसे अपने चम्मच चाटते हैं उस प्रकार से स्टिक को क्या है कि उस बच्चे की जीभ के ऊपर फेरना है, जिससे क्या है कि ये जीभ क्या है, बच्चे टाइटनेस की वजह से जीभ ऊपर की तरफ रखते हैं तो वो ऊपर की तरफ भी नहीं रहेगी और जीभ को सही रखेगा। स्पीच थेरेपी के लिए मैंने ये कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, ये बांसुरी है और ये माउथ ऑर्गन है, ये पिकलो ट्रम्पेट है, ये क्लेरिनेट है, ये सब क्या है फोंक से बजने वाले हैं, ये मैंने इसके लिए खरीदे थे और ये क्या है इसमें फोंक मारेगा तो होठों को क्या है इस प्रकार से होठों को भी बंद करेगा और अपनी ताकत लगाएगा, इससे क्या है कि बच्चे के मुँह का पूरा मूवमेंट होएगा और बच्चे की एक्सरसाइज होएगी और ये आप आसानी से आपको मिल भी जाते हैं और आप ये बच्चे के लिए अपने घर पे अवेलेबल करवा लीजिए। इनके लिए आपको स्पीच थेरेपी के लिए इधर उधर घूमने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ये चीज़ें लाके और बच्चे की एक्सरसाइज आसानी से करवा सकते हो। तो ये इस प्रकार से बच्चा ये फोंक मारेगा तो क्या है इसकी आवाज़ भी आएगी, बच्चा क्या करेगा कि अपने होठों को अच्छी तरह से काम में लेगा और प्रेशर भी देगा। ये इसको पहले फूंक नहीं मारनी आती थी लेकिन अब ये बहुत जोर से हर चीज़ को बजा लेता है फूंक मार के। अब ये माउथ ऑर्गन है, ये भी इसको सिखाया है तो ये देखो ये भी बजा लेता है ये। तो इस प्रकार से आप अगर धीरे धीरे कोशिश करोगे, ये भी 2-2.5 साल तक बिल्कुल नहीं बोला था, ये प्रॉपर रूप से जब 3 साल का हो गया था तभी ये बोलने लगा था। तो ये इस प्रकार के आप इंस्ट्रूमेंट घर पे ले आइए और अपने बच्चे की क्या है घर पे एक्सरसाइज करवाइए और कुछ टाइम अगर बच्चे को आप दोगे तो बच्चा अवश्य बोलने के प्रति और एक्टिविटी अवश्य करेगा बच्चा। आप निराश मत होइए कि बच्चा बोल नहीं रहा है तो इसके लिए क्या करें, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मेहनत ही इस प्रकार के बच्चों के लिए सब कुछ है। ये देखो बेटा बजाओ इसको, पिकलो ट्रम्पेट है ये कम आवाज का है, कोई तेज आवाज का है, कोई कम फूंक मारने से बज रहा है और किसी में ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तो ये अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, ये आप आसानी से टॉय शॉप पे आपको मिल जाएंगे, ज्यादा महंगे भी नहीं है, ये आप घर पे ले आइए अपने। ये अलग अलग साउंड भी है, ये लो बेटा इसमें काफी तेज आवाज आ रही है, इसके साथ ये डमरू भी है, ये साउंड भी कर रहा है और इसको बजाओ बेटा, बजा के भी दिखाओ, बजाओ इसको यहां से, इसके अलावा आप कुछ इंटरेस्टेड चीजें होती हैं जिनके प्रति बच्चा ज्यादा जागरूक होता है, जैसे मेरे पास ये एक चिड़िया है और इसमें थोड़ा पानी डाला जाता है ऊपर से और जब इसमें फूंक मारी जाती है तो ये चिड़िया की आवाज निकलती है इससे, ये देखो इस प्रकार से। तो ऐसी कोई इंटरेस्टेड चीज है वो भी आप ले आइए और बच्चे क्या है कि ऐसी चीज से ज्यादा उत्सुक होते हैं और वो उसको कोशिश भी करता है कि इससे चिड़िया की आवाज आ रही है तो मैं भी इसको बजाऊंगा, देखो ये मेरे हाथ से छीन रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं भी इसको बजाऊंगा, तो मैं इसको एक बार वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मैंने मुंह लगाया इसके। ये मैंने वॉश कर लिया इसको, अब ये बजाएगा, बजाओ बेटा, ऊपर से फूंक मारनी है, ये इसको नहीं बजा पा रहा है क्योंकि ये अभी सीखा नहीं है इसको बजाना,
अभी मैं अभी लेके आई हूँ इसको, इसको सिखाया नहीं है अभी, अभी इसको बजा के दिखा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करेगा तो सीख जाएगा। ऊपर से फूंक मारनी है बेटा, इसको पूरा होठ में नहीं दबाना, हाँ थोड़ा सा ऊपर से पकड़ के फूंक मारनी है इसमें। ये देखो ये सीख रहा है, ऐसे सीख जाएगा। हाँ थोड़ा सा हल्का ये यहाँ पे होल बना है, उससे पहले पहले इसको पकड़ना है। ये देखो ये अब आपके सामने, इसको पता नहीं था बिल्कुल भी, और ये देखो सिखाने से ये सीख जाते हैं। अब नहीं आ रहा था तो ये नहीं है, ये आपके सामने अब मैंने इसको सिखाया, बिल्कुल भी पता नहीं था इसको, लेकिन इसको बताना है कि मुंह में कहाँ तक लेना है। मैंने इसको बताया कि यहाँ पे होल है, तो ये होल अगर आपके होठों के नीचे दब जाएगा तो आवाज़ नहीं निकलेगी, है ना, तो इसको थोड़ा ऊपर से पकड़ना है। अब देखो बेटा नीचे होल है, उसे ऊपर ऊपर मुंह में रखना है। ये देखो तो इस प्रकार से आप बच्चे के लिए मेहनत कीजिए तो ये बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, निराश मत होइए। और इस प्रकार से थोड़ी मेहनत कीजिए और बच्चे के साथ अगर क्या है कि आप बच्चा बन के रहोगे तो बच्चा भी एक्टिविटी अच्छे से करेगा और आपका मूड भी फ्रेश होएगा और आप परेशान भी नहीं होगे और ये भी नहीं सोचोगे कि भी बच्चे को प्रॉब्लम है ये है, तो आप माइंड में क्या है स्ट्रेस भी नहीं लोगे और आप खुद एक बच्चे की तरह बच्चे के साथ रहेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको। जब बच्चे को आप जूस वगैरह पिलाते हो तो आपको क्या करना है कि ये जो पाइप होती है इस प्रकार की पाइप का इस्तेमाल करना है, इससे बच्चा क्या है कि इसको खींचेगा और अपनी ताकत लगाएगा, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है और बहुत काम की चीज़ है ये। तो क्या करना आपको, जैसे इस बच्चे स्कूल जाते हैं वो बोतल होती है तो उनमें भी इस प्रकार की पाइप होती है, और घर में भी आप क्या है कि इस प्रकार का गिलास वगैरह ले आइए, जिससे जब भी बच्चे को जूस है पानी है तो कुछ टाइम के लिए इस पाइप से पिलाइए, जिससे क्या है कि बच्चा खींचेगा और अपनी ताकत लगाएगा और इससे क्या है कि बच्चे की होठों की मुंह की पूरी एक्सरसाइज होगी। ये इसको अभी बिल्कुल नहीं खींचना आता था, इसको क्या किया मैंने स्टार्टिंग में, ये फ्रूटी वगैरह आती है वो मेरे पास तो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैं इसी से दिखा रही हूँ आपको बता रही हूँ। तो आप क्या बच्चा बिल्कुल नहीं खींच रहा है तो आप फ्रूटी ले आइए और उसमें पाइप डाल के और बच्चे के मुंह में बच्चे को खींचने के लिए कहिए और बच्चे को बताइए कि किस प्रकार से खींचना है, जैसे आप खींचते हैं उस प्रकार से बच्चे को बताइए कि अपने तरफ इस प्रकार से हवा का प्रेशर अपनी तरफ रखना है और इस प्रकार से मुंह के इशारे से आप बच्चे को बताइए कि कैसे खींचना है। और अगर फिर भी बच्चा नहीं खींच रहा है तो आपको क्या करना है, वो फ्रूटी होती है वो कागज की होती है तो थोड़ा सा आप उसको नीचे से प्रेशर दोगे तो पाइप के जरिए क्या है कि ऑटोमेटिक बच्चे के मुंह तक उसको जूस का पानी जाएगा ना, तो वो एहसास करेगा कि ये इस पाइप के जरिए से आ रहा है, तो वो अपना दिमाग लगाएगा कि ये कैसे मैं कैसे पीऊँ इसको, वो कोशिश करेगा। तो आप उसको बताइए, बार बार आप ये एक्टिविटी कराओगे तो वो क्या है ऑटोमेटिक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके और वो क्या है उसको खींचने लगेगा, इससे इसके जीभ की मुंह की होठों की पूरी एक्सरसाइज होती है और ये काफ़ी हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए। स्पीच थेरेपी में ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है, छोटी छोटी है लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं ये। अपने डॉक्टर के चक्कर में ऐसे फिरते रहते हैं कि बच्चे को कहाँ लेके जाएं, बोल नहीं रहा है बोल नहीं रहा है, अगर ये एक्टिविटी अपने घर पे ही करवाएंगे तो अपने को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और बच्चे का क्या है कि स्पीच भी अच्छा हो जाएगा, बच्चा बोलने भी लगेगा। स्पीच के लिए आपको क्या है कि बच्चे को बैलून देने हैं और बैलून फुलाने के लिए कहना है, लेकिन क्या है कि बच्चे नॉर्मल रूप से बैलून को नहीं फुला पाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये कोई मोटी पाइप ले लेनी है, जैसे ये वो फ्रूटी वगैरह पीते हैं वो पाइप है, थोड़ी मोटी पाइप है, अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चे के पास पेन वगैरह होते हैं उनके पीछे वाला जो पाइप होती है पीछे वाली वो आप ले सकते हो, और उसको क्या करना है बैलून को इस प्रकार से और धागे से इस प्रकार से या रबड़ चढ़ा के जैसे भी आप बांध देना इस प्रकार से, और वो पाइप थोड़ी मोटी होगी तो बच्चा आसानी से मुंह में ले लेगा, पाइप अगर पतली होगी तो बच्चे को दिक्कत ज़्यादा आएगी और जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ये पाइप थोड़ी मोटी है और इस प्रकार से आप बांध के और बच्चे के मुँह में दीजिए। तो ये तो आप थोड़ा बहुत सीख गए हैं, इसको भी नहीं आ रहा है फुलाना, और ये इसमें फूंक मारेगा, बच्चे को कहना है कि इसमें फूंक मारो या कुछ भी करो, वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी अपनी तरफ खींचेगा, कभी बाहर फुलाएगा तो यहाँ पे इसको कुछ न कुछ बच्चे को दिखाई देगा तो वो अपनी एक्टिविटी करेगा और ये जोर लगाने की कोशिश करेगा, ताकत लगाएगा अपने होठों की मुंह की, तो ये क्या है कि ये साथ में बैलून फूलता हुआ दिखाई देगा तो वो बार बार कोशिश भी करेगा, कभी अपनी तरफ खींचेगा कभी।
खुलाने की कोशिश करेगा तो इससे क्या है, इसके होठों की एक्सरसाइज होगी और मुंह को बंद रखने की भी कोशिश करेगा। ये देखो ये बच्चा बैलून को फुला रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है कि ये जो फूंक मार रहा है तो हवा क्या है होठों के पास से यहाँ से निकल रही है, ये पूरा अच्छी तरह से टच करके रख रहा है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे के मुंह में इस प्रकार से देखे और उसके होठों से क्या जो एयर निकल रही है उसको बाहर नहीं निकलने देना है, और बच्चे को फूंक मारने के लिए कहना है फुलाओ बेटा। वेरी गुड, फुलाओ, फिर से फुलाओ। ये देखो इस प्रकार से क्या है, जब होठों से एयर बाहर नहीं निकलेगी तो बैलून ऑटोमेटिक ही फूलेगा और बच्चा क्या है अपने मुंह से जोर भी लगाएगा। तो ये एक्टिविटी आप बच्चे को आसानी से घर पे करवा सकते हो, ये तो खेल खेल में बच्चा कर भी लेगा और बच्चे की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और बच्चे को कोई भी एक्टिविटी अगर बच्चा मुंह से कर रहा है तो उसको करने दीजिए, उसको टोकिए मत। ये देखो बच्चा इस प्रकार से गाड़ी की तरह से करता है ना, गाड़ी चलाते हैं वैसे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, तो इस प्रकार बच्चे को करने दीजिए क्योंकि इससे बच्चा एंजॉय भी करेगा और साथ में उसकी एक्सरसाइज होती है। बच्चे को ये मत सोचिए, रोकना नहीं है कि ऐसे क्यों कर रहा है, उसको करने दीजिए, करो बेटा आप इस प्रकार से, आप बच्चे को करने दीजिए। साथ में क्या है बेटा, मुंह फुलाओ हाँ, मुंह में हवा भरो। और बच्चे ये भी अभी अच्छी तरह से नहीं भर पा रहे हैं, अभी मुंह को फुला के नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन बच्चे को बार बार करवाइए। अगर बच्चा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बार बार करने के लिए कहिए और अपना मुंह फुला के बच्चे के सामने इस प्रकार से भी आपको ये एक्टिविटी भी बच्चे को करानी है, आपको खुद को करके दिखानी है तो बच्चा कोशिश करेगा। अगर आप करोगे, देखो बेटा ऐसे करना है, आप करो, ये देखो इससे हो नहीं रहा है लेकिन ये कोशिश कर रहा है। तो ये एक्टिविटी भी आप क्या है इंजॉय के साथ अपने बच्चे को करवा सकते हो और आपका मूड भी ऑफ नहीं होगा और बच्चे का भी ऑफ नहीं होगा। स्पीच के लिए आपको एक एक्सरसाइज और बता रही हूँ, आपको क्या करना है, कैंडल या दीपक को जला लेना है। मैं तो यहाँ बेड पे बैठी हूँ, लेकिन आपको क्या है कि बच्चा छोटा होता है तो थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि बच्चा हाथ वगैरह मार देता है, ये तो थोड़ा मैच्योर हो गया है अब। तो आपको क्या करना है, कैंडल को जला के और बच्चे को फूंक मारने के लिए कहना है, बच्चे के मुंह से इसको बुझाने के लिए कहना है। बच्चा जोर से फूंक मारेगा तो ये बुझ जाएगी, तो बच्चा कोशिश करेगा इस प्रकार से फूंक मारने की और अपने होठों की एक्सरसाइज भी करेगा। बुझाओ बेटा इसको, बुझेगा, बुझाओ ना, जोर से फूंक मारो, लंबी फूंक मारो, मारो लंबी फूंक मारो ऐसे इस प्रकार से, जोर से, तो इस प्रकार बैठा हुआ बच्चा ये क्या है कैंडल को नहीं बुझा पाया, तो इसके लिए अपने क्या है कि दूसरा तरीका देखते हैं। अब बुझाओ बेटा, फूंक मारो जोर से, बुझा दो। ये देखो इस प्रकार से अगर आप वो बैठा हुआ नहीं बुझा पाया तो इस प्रकार बच्चे को उल्टा लेटा के और इस प्रकार से कैंडल या दीपक को बुझाने के लिए बार बार जगाओ और बच्चे से इस प्रकार से फूंक मरवाओ। स्पीच के लिए आपको एक एक्सरसाइज और करवानी है, बच्चे के फेस के पास अपना फेस ले जाना है और बच्चे के पास चेहरा ले जाके और माँ शब्द बच्चा सबसे पहले बोलता है, तो बच्चे के चेहरे के सामने आप अपने मुंह को ले जाके इस प्रकार बोलिए माँ, तो बच्चे को क्या है आपके जो होठों का चेहरे का हाव भाव है वो बच्चे को दिखाई देगा। तो जैसे आपके होठ मूवमेंट कर रहे हैं तो बच्चा देख के क्या है कि करने की कोशिश करेगा। बच्चे को आप बोलो ऐसे मुंह खोलो बेटा माँ, ये तो अब शरारती हो गया तो सब कुछ बोल लेता है, तो इस प्रकार से आपको क्या है मामा पापा इस प्रकार से आवाज निकाल के और बच्चे के फेस के सामने जाना है और बच्चा क्या है कि आपके होठों की मुंह की एक्टिविटी देखेगा तो वो क्या है खुद करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से आप ये छोटी एक्टिविटी है बच्चे को करवाइए और आपको थोड़ी मेहनत करोगे तो काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा।